प्यारे बच्चों, क्लास इलेवेंथ के लिए जेसीईआरटी द्वारा राजनीतिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें सरकारी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। जो भी मॉडल सेट विभिन्न विषय के तैयार किए गए हैं, वे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सहायता से जेसीईआरटी ने तैयार करवाए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जब बहाली नहीं हुआ, शिक्षक नहीं है, तो उसका मॉडल सेट कौन तैयार करेगा? इसीलिए उसका मॉडल सेट नहीं आएगा। फिर भी बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि राजनीतिक विज्ञान का भी मॉडल सेट बनाइए सर। तो विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपकी का चैनल है, और साथ ही राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वर्ग 11 राजनीति शास्त्र 40 मार्क्स का रहेगा, समय 1.5 घंटा रहेगा। पहला से 7 नंबर तक का क्वेश्चन जो है, उसमें से आपको 7 में 5 बनाना रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका 8 से 14 तक 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना है, और फिर 15 से लेकर 19 तक आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजनीति की परिभाषा दीजिए। तो सामान्य शब्दों में राजनीति से आशय निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है। जिन बालडल के अनुसार राजनीतिक एक सार्वभौमिक क्रिया है, हर्बर्ट जे स्पेंसर के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, राजनीति क्या है? तो राजनीति शब्द यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य है। प्राचीन काल में नगर राज्य हुआ करते थे। तीसरा है, नागरिकता से क्या अभिप्राय? तो नागरिकता की वह विशेषता अथवा गुण है जिसके कारण उसे राज्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य का नागरिक कहलाता है। चौथा है, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य बताइए। तो निर्वाचन आयोग के 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला, मतदाता सूची तैयार करना और निष्पक्ष चुनाव कराना। पांचवा है, कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो सरकार के 3 अंगों में दूसरा अंग कार्यपालिका है। कार्यपालिका ही विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू कराती है। गार्नर के अनुसार कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति और कर्मचारी आ जाते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को जिसे विधायिका ने व्यक्त कर कानून का रूप दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है। छठा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की योग्यताएं क्या है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहला, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। सातवां क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल पर टिप्पणी लिखे। तो जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख खतरे में पड़ गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति संघ राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऐसे निर्देश में यह भी व्यवस्था हो सकती है कि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों की राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाए। आठवां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लोकसभा चुनाव में जिस राजनीतिक दल अथवा दलों के समूह को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अगर चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर तय करता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करें। अगला है, संविधान क्या है? तो संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। दसवां क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवक की भूमिका बताइए। तो भारत में अन्य राज्यों के समान लोक सेवक वास्तविक
कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के विकास के साथ लोक सेवकों की संख्या व महत्व भी बढ़ गया है। इन्हें आजकल नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। नौकरशाही में इन सदस्यों की निश्चित शिक्षा होती है व लंबा कार्यकाल होता है। ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। सरकार की नीतियों को वफादारी के साथ लागू करना इनका कर्तव्य होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के सलाहकार के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है वह शासन जिसके द्वारा नगर और ग्राम में रहने वाले लोगों को अपनी स्थानीय समस्याओं को अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छा अनुसार समाधान करने की स्वतंत्रता। यह छोटे छोटे तथा सीमित क्षेत्रों के लिए शासन है। स्थानीय जनता प्रतिनिधि स्थानीय निषयों का प्रबंध एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करते हैं। 12 है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समझाएं। तो प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी नागरिक बोलचाल या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का साधन है, परंतु भाषण देने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संसद भारत की प्रभु सत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मान हानि व हिंसा के लिए उत्तेजित करना आदि के आधारों पर भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है बच्चों, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम लिखें। तो मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना, यहाँ बिना हो जाएगा, जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हों उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, परंतु 44वें संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिक को प्राप्त है। ये अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक स्वतंत्रताओं पर किन आधारों पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, उन पर निम्नलिखित तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 1, संसद भारत की प्रभु सत्ता, अखंडता, सुरक्षा के लिए इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मान हानि तथा हिंसा के लिए उत्तेजित करना आदि के आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। और 4 है राज्य जनता के हितों और अनुसूचित कबीलों के हितों की सुरक्षा के लिए इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से किया जाता है? बहुत सारा ये जितना भी बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर एग्जाम में आएगा, इसको जरूर रट लीजिएगा। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार यद्यपि व्यवहारिकता में प्रधानमंत्री के इस निर्णय को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। अपने दल के प्रभावशाली सदस्यों को उसे अपने मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के बिन के लिए बनी सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, जिसके सदस्यों को राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा सकता है। मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद का सदस्य हो। अगर वह मंत्री बनते हैं तो उस समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे किसी एक सदस्य की सदस्यता अवश्य ही लेनी पड़ेगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कैसे हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण है? तो भारत का संविधान राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतिपादक तो है ही, इसके साथ साथ यह सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र का भी प्रतिपादक है। इसके निर्माताओं को यह भली भांति मालूम था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अनुपस्थिति में एक सच्चा और यथार्थ राजनीतिक लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। अतएव इन संविधान ने यदि एक ओर स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया है, तो दूसरी ओर छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, गरीब
अमीर गरीब आदि आर्थिक और सामाजिक विषमताओं और असमानताओं को भी दूर करने का प्रयास किया है। जैसे संविधान के अनुसार अस्पृश्यता को एक भीषण अपराध घोषित कर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह एक समान अभिमत है कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एस लिंगर के अनुसार विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं है। कला विज्ञान आधारित हो सकती है। राजनीतिक शास्त्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान और कला दोनों के, यहाँ पर हो जाएगा, दोनों के ही रूपों में यह हमारे लिए उपयोगी है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, भ्रम मूलक राजनीति दर्शन के सिद्धांत का खंडन करता है तथा विवेकपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापों के आधार के रूप में सुदृढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र एक विज्ञान भी है और एक उच्च स्तरीय कला भी। श्री जब हम राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विवेचन करते हैं तथा कुछ समान एवं सार्वभौमिक निष्कर्षों की खोज करते हैं तो यह एक विज्ञान है। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों तथा व्यवहार के मध्य भिन्नता व सापेक्षता पाते हैं तो राजनीतिक विज्ञान कला के निकट होती है। सिद्धांतों व व्यवहारों का यह अंतर ही कुशलता व कल्पना मतलब कला के विकास का अवसर प्रदान करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? तो किसी भी देश के संविधान में विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों का सीमांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब कोई एक समूह या संस्था अपनी शक्तियों को बढ़ा देती है तो वह पूरे संविधान को नष्ट कर सकते हैं। इस समस्या के बचाव के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संविधान में शक्तियों का सीमांकन विभिन्न संस्थाओं को नष्ट कर सकती है। इन समस्या से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संविधान में शक्तियों का सीमांकन विभिन्न संस्थाओं में इस प्रकार किया जाए कि कोई भी समूह या संस्था संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान को इस प्रकार बनाया जाए, अर्थात संविधान की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की जाए कि शक्तियों को ऐसी चतुराई से बांट दिया जाए कि कोई एक संस्था एकाधिकार प्राप्त ना कर सके। ऐसा करने के लिए शक्तियों का विभाजन विभिन्न संस्थाओं में किया जाए। उदाहरणार्थ भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य तथा कुछ स्वतंत्र सार्वजनिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग आदि में किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच भी शक्तियों को नष्ट करना चाहे तो यह अन्य संस्थाएं उसके अतिक्रमण को रोक सकती है। भारतीय संविधान में अवरोध व संतुलन का सिद्धांत भी इसलिए अपनाया गया है कि जब विधायिका अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उसके द्वारा निर्मित विधान को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कार्यपालिका की शक्तियों को असीम बनने से रोकने के लिए विधायिका को उस पर विभिन्न प्रकार से अंकुश लगाने का अधिकार है। वह प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का सीमांकन संविधान द्वारा पहले से ही किया है और ये सभी संस्थाएं अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती परंतु अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकती। दूसरी संस्थाएं इनके अतिक्रमण को नियंत्रण कर लेती है। यदि संविधान में इन शक्तियों का बंटवारा या सीमांकन विभिन्न संस्थाओं में नहीं किया जाता है तो कोई एक संस्था या सरकार कोई एक अंग अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है और वह संविधान को नष्ट कर सकता है तथा निरंकुशतापूर्ण शासन करने लगता है जिससे नागरिकों को स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की व्याख्या करें। तो भारत के संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और संविधान द्वारा उनकी केवल घोषणा ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा भी की गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन केवल इसलिए नहीं किया गया है कि उस समय यह कोई फैशन था बल्कि यह वर्णन उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया गया है जिसके अनुसार सरकार कानून के अनुसार कार्य करे ना कि गैर कानून तरीके से। संविधान में जो भी मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं उनकी कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला, व्यापक और विस्तृत। तो भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार बड़े व्यापक तथा विस्तृत हैं। इसका वर्णन संविधान में तीसरे भाग की 24 धाराएं 8, 12 से 35 में किया गया है। नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार की विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा है, मौलिक अधिकार सब नागरिकों के हितों के लिए है। तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की यह विशेषता है कि वे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
ये अधिकार सभी को जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। कोई भी अधिकार पूर्ण और असीमित नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है। संविधान के अंदर ही मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। चौथा है, मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसके माध्यम से प्रत्येक ऐसी संस्था जिसको कानून बनाने का अधिकार है प्रतिबंध लगाते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को मौलिक अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाने पड़ते हैं तथा ये कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, अधिकार न्याय योग्य है। तो मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यदि इन अधिकारों में से किसी एक का उल्लंघन किया जाता है तो वह व्यक्ति जिनको इनके उल्लंघन से हानि होती है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के द्वारा पास हुए कानूनों तथा आदेश को अवैध है यदि वह कानून अथवा आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। तो बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।